हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम नेचुरल तरीके से सेक्सुअल एनर्जी को बूस्ट कैसे कर सकते हैं। यूँ तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहते हैं, काफ़ी के एड्स वगैरह भी आते रहते हैं, जिनको जो हमारी सोसाइटी है उसकी पहली प्रॉब्लम ये है कि बिना जाने समझे उसके इंग्रेडिएंट के बारे में जाने हम उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें अनगिनत प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। और में एक और विडम्बना ये है कि बहुत सारे लोग जिन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जिनके लिए इनका कोई आवश्यकता नहीं है, वो भी अपनी नीड को समझे बिना भी इनका सेवन करना स्टार्ट कर लग जाते हैं, ये जाने बिना कि ये आपके लिए फ़ायदा करेंगी, लाभदायक रहेंगी या कुछ नुकसान करेंगी। क्योंकि मेन तौर पे काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि ये प्रोडक्ट इनिशियली तो आपको लगता है बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं आपके लाइफ में, लेकिन एट द बैक ऑफ द टाइम ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन, इसके अलावा काफ़ी सारे साइड इफेक्ट, लिवर किडनी इम्पैक्ट या फिर स्टमक अपसेट कर देना, बहुत सारी अन्य प्रॉब्लम भी खड़ी कर देते हैं, क्योंकि हमें इनकी पूरी नॉलेज नहीं होती। इसके अलावा सेक्स एजुकेशन का भी अभाव होता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें शामिल होती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि इससे नेचुरल तरीके से, जिनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, कम्प्लीटली हर्ब्स के थ्रू या कुछ ऐसी लाइफस्टाइल में चेंज करके इस स्थिति को कैसे चेंज किया जा सकता है। तो बने रहे। देखिए, पहली चीज जो है वो है आपकी एक्सरसाइज, जो कि होती है कीगल एक्सरसाइज, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कीगल एक्सरसाइज जो होती है आपके जेनिटल मसल्स जो होती हैं उनको इम्प्रूव करती हैं। ओवरऑल जितनी भी दिक्कतें होती हैं, जैसे कि यूरोजेनिटल दिक्कतें होती हैं, उन सभी को इम्प्रूव करके आपके मसल्स को इम्प्रूव करती है, जो कि आपके सेक्शुअल एनर्जी में भी इम्प्रूवमेंट लाती है, चाहे मेल हो या फीमेल। क्योंकि बहुत सारे मेल्स की ऐसी ईमेल्स आती हैं कमेंट सेक्शन में, मैं जो कमेंट्स पढ़ती हूँ उनमें आता है कि उन्हें प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दिक्कत है, या किसी भी तरीके की कैसी भी अगर आपकी यौन दिक्कतें हैं, तो उसके लिए अगर आप नेचुरली कीगल एक्सरसाइज करते हैं तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी किसी फिजियोथेरेपिस्ट से जा करके समझ के इसे अच्छी तरीके से सीखें, क्योंकि जब तक आप जो राइट मसल्स होती हैं उस पर काम नहीं करेंगे तो ये एक्सरसाइज ठीक से परफॉर्म नहीं होगी और ये डे वन में आपके चेंजेस नहीं लाएगी। इसको कुछ समय देना पड़ेगा, बट विद इन अ मंथ एंड 2 आप इसमें इंप्रूवमेंट देखेंगे। सिमिलरली फीमेल्स को जिन्हें वेजाइनल डिस्कम्फर्ट रहती है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स या फिर कैसी भी दिक्कत रहती है, तो उस सिचुएशन में अगर आप कीगल एक्सरसाइज परफॉर्म करती हैं तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट महसूस में होगा। नेक्स्ट आता है आपका कुछ डेली फिटनेस को भी मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डेली फिटनेस में यानी कि ये तो हो गई आपकी जेनिटल एक्सरसाइज, इसके अलावा डेली फिटनेस में बात करेंगे सुबह में पूरी दिनचर्या में कुछ एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि रनिंग हो गई, स्ट्रेचिंग हो गई या फिर वॉकिंग ही क्यों ना हो, थोड़ा बहुत व्यायाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी योगा होते हैं जो आपकी सेक्सुअल एनर्जी को नेचुरली बूस्ट करते हैं, जिनमें आता है आपका चाइल्ड पोज जिसे कहते हैं बालासन। इसके अलावा आता है आपका हैप्पी चाइल्ड पोज जिसे बोलते हैं आनंद बालासन। इसके अलावा ब्रिज पोज है जो कि आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। किसी भी तरीके की आपकी प्रॉब्लम हो या फिर परफॉर्मेंस से रिलेटेड दिक्कत हो, टाइमिंग से रिलेटेड दिक्कत हो या फिर एनर्जी या पावर की भी दिक्कत हो, तो उन सभी चीज़ों में ये आपको आराम देता है। इसके अलावा कुछ और भी योगा आसन है, विजन पोज हो गया और शवासन हो गया, ये भी आपकी बॉडी की मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ साथ बॉडी को रिलैक्स करते हैं और एनर्जी और पावर इंक्रीज करने में काफी लाभदायक होते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस आप इजीली इन्हें सीख करके घर में डेली बेसिस पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कुछ न्यूट्रिशियस लेवल पे भी अपनी डाइट को ध्यान में रखना। अभी डाइट को ध्यान में रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो खाना खा रहे हैं वो कंप्लीट डाइट होनी चाहिए, क्योंकि समटाइम्स कुछ न्यूट्रिशंस यानी कि जैसे कि आपके मिनरल्स हो गए, फॉलिक एसिड है, वाइटामिन है, इन सब के अभाव की वजह से भी आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए हो गया जैसे अगर आप सुबह डेली कुछ अखरोट, कुछ बादाम, साथ में मगज और मुनक्के, इन सबको थोड़ी थोड़ी मात्रा में भिगो करके सुबह इसका सेवन करते हैं, इधर मेल हो या फीमेल, दोनों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहता है। इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा लाभकारी नुस्खा है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप 4 बादाम ले लें, साथ में 1 चम्मच पोस्ता दाना और 4 खजूर की गिरी, इसके अलावा उसमें 1 चम्मच शहद मिक्स करके इसे आप अच्छी सी खरल में या मिक्सर में पीस सकते हैं, खरल में करेंगे या मॉर्टर पेस्टर होता है उसमें अच्छे से इसका पेस्ट ऐसा बना लें, थोड़ा दरदरा भी होगा तो चलेगा। इसको अगर आप डेली खाली पेट खाते हैं तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहता है। अब बात कर लेते हैं कि आयुर्वेदिक हर्ब कौन कौन सी इस कंडीशन के लिए फायदेमंद होती हैं। तो अगर आयुर्वेदिक हर्ब्स की बात करें तो अश्वगंधा और शतावर दोनों ही कंप्लीटली निर्दोष है, मेल और फीमेल दोनों ही इसका सेवन कर सकते हैं। अगर मेल है तो शिलाजीत वगैरह का भी सेवन कर सकते हैं। कुल मिला के इसका एक रेडीमेड बना बनाया मुसली पाक के रूप में एक पैक आता है, जो बिल्कुल देखने में जिस तरह से बादाम पाक होता है वैसे मुसली पाक होता है, जिसमें ये सारी जितनी भी औषधियां ये मिली होती हैं और ये आपके ओवरऑल जो यौन प्रॉब्लम्स हैं काफी लाभदायक होती हैं। तो इसका ऑलरेडी मैं वीडियो कर चुकी हूँ, आप चाहें तो इसे आई बटन में जाकर के इसका डिटेल वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। तो ये कुल छोटी सी चीजें हैं जिसे आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपना करके राधे दिन कुछ जो बाजारी मार्केट में जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जिनको बिना समझे बिना जाने यूज करने से काफी ज्यादा मात्रा में नुकसान सहना पड़ता है, तो उन्हें ना यूज करके अगर आप इन चीजों को डेली बेसिस में अपनाएंगे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तो आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में आपकी ये जितनी भी दिक्कतें हैं इंटरनली आप हील होंगे, इंप्रूव होंगे और आप एक अच्छी लाइफ, क्वालिटी लाइफ बिता सकेंगे। सो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक दे दीजिए एंड कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, टेक केयर गाइस।